Hello. 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 गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू प्रेप एंड क्रैक क्रेक करियर ऑन द ट्रैक आप सभी का वेलकम है प्रेप एंड क्रैक के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूँ तहे दिल से कैसे आप सभी अच्छे होंगे बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे थोड़ा सा टेक्निकल इशू था बिल्कुल सोल्व हुआ और क्लास बिल्कुल आपके सामने है एकदम टकाटक तो तैयार रहें आज की इस क्लास के लिए जहाँ पर हम मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं और यहाँ पर आपको थमनेल एकदम से नजर आ रहा होगा थंबनेल नजर आ रहा होगा एकदम से आपके सामने जहां पर लिखा हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश मॉडल पेपर जीरो वन इसका मतलब क्या हुआ ये एक नंबर का मॉडल पेपर है जो आपके लिए होगा और यहाँ वन फिफ्टी क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पर तो तैयार रहे जबरदस्त तरीके से जल्दी तरीके से आपको फटाफट क्वेश्चन को देखते ही पहले आंसर देना है क्यों क्योंकि क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है ट्वेंटी वन को आपका एग्जाम है तो अब आपको कितना आता है कितना नहीं आता है क्या आपका स्कोर है वो छोटी छोटी बातें हम करेंगे एक बार जल्दी से कॉमेंट यहां पर ला दीजिए फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉमेंट हाँ जी बिल्कुल चलिए सर बिल्कुल बिल्कुल एडिटर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार कमेंट दिखा दे यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस है कमेंट आगे बढ़ नहीं रहे हैं के रो का निशान है तो आप इसको जल्दी से दिखाएं तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर आता है जल्दी से और जितना जल्दी हो सके आप सभी को आंसर क्लिक करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा तो ये आता है आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है ये क्वेश्चन आ चुका है बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और क्या इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा तो जल्दी करें करेक्ट ऑप्शन क्या है फटाफट फटाफट बताएं जल्दी से बता दे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दीजिए ठीक है बहुत बढ़िया बात है तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है सी वॉज पनिस्ड स्टीलिंग ए सॉरी जल्दी से बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और क्या इसका राइट right ऑप्शन नहीं होगा एक बार जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है और क्या नहीं है चलो जी चलो जल्दी से बताए प्रेपेशन का आंसर है और क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है सी वॉज पनिस्ड ठीक है स्टीलिंग ए सारी सी क्या समझ में आ गया बात बहुत अच्छी बात है कि उसको उसको पनिश किया गया उसको दंड दिया गया क्यों दंड दिया गया इसकी भी बात सुन ली बात समझ में आ गई यहां पर तो यहां पर पनिस्ड लिखा हुआ पनिस्ड का मतलब क्या हुआ दंड दिया गया क्यों भाई स्टीलिंग ए साड़ी क्योंकि उसने क्या कर ली एक साड़ी की चोरी कर ली जी हाँ बिल्कुल अब जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए तो यहां पर देखिए यहां पर फोर इसका आंसर हो सकता है फोर इसका आंसर हो सकता है एक बार जल्दी से कॉमेंट कीजिए फटाफट फटाफट जल्दी से तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका फोर आंसर बिल्कुल सही है तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ बेटा पनिस्ड पनिस्ड फॉर क्यों क्योंकि उसने एक जुर्म किया है है और जुर्म कौन सा किया स्टीलिंग साड़ी साड़ी को चोरी करने का काम उन्होंने किया है बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया बात है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ अपना ए तो यहां पर जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है और जिन्होंने नहीं दिया है जी हाँ जल्दी से इतना टाइम नहीं होगा अपने पास सेकेंड का आंसर बता दीजिए द बॉक्स बिलोंग द लैंड अब जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है

पांच बजे तक या बेटा पच्चीस तारीख तक आप मेरे पैसे लौटा दे कितनी तारीख तक पच्चीस तारीख तक आप मेरे पैसे लौटा दे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पच्चीस तारीख तक यानी डेफिनेटली यू हैव टू पे मनी यस तो यहां से टिल आंसर बिल्कुल शटाशूट आंसर सही हुआ इसके बाद यहां से लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन को एक बार जल्दी से जितना जल्दी हो सके बेटा उतना जल्दी पढ़ने की कोशिश करे क्वेश्चन वो जो एग्जाम में छपेंगे जल्दी से आ जाइए चिल्ड्रन आर फॉन्ड तो क्या लिखा हुआ है फॉन्ड लिखा हुआ है फॉन्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन में क्या आता है ऑफ आता है और इसका मीनिंग क्या होता है शौकीन इसका मतलब होता है भाई साहब हमारे भाई साहब मिठाई के शौकीन आधा किलो के लेकर चेप जाते हैं तो शौकीन का मतलब तुम बूढ़े हो चुके हो अब ठीक है जो बच्चे होते हैं वो शौकीन है किस बात के शौकीन है चौकलेट के शौकीन है थोड़ा सा रुक जाओ यहां पर समस्या ही समस्या हो गई अब अपने लिए क्योंकि अब अपनी बस की नहीं है कि यहां से फाइल वापस आ सके तो बुलाना पड़ेगा जी बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया बात है एक बार थोड़ा सा दादागिरी कर ले क्या अपन कर लेते हैं चलो आ जाए तो ठीक है बहुत बढ़िया बातें हो गए नेल ठीक है हो गए पास तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो बच्चे ऑफ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ है क्या आंसर हुआ है? बिल्कुल सही है यहां पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर We get rains. Rain का मतलब क्या हो रही है बिल्कुल बारिश मे, मेगा मेगा। यहां पर आंसर क्या हो गया अपना बारिश हो गया बेटा ना ये बारिश गलत लिख दिया है सही जुलाई एवरी ईयर इट मीन दैट वी वी गेट रेंस हम बारिश हमारे यहां पर बारिश होती है एवरी ईयर हर साल ही होती है ऐसा तो नहीं है ना कि इस बार बारिश होगी उसके बाद बहुत दिनों बाद बारिश होगी है ना

डाइट 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 के बाद मरा मरा कैसे मरा हार्ट अटैक हार्ट अटैक से मरा तो बेटा ऑफ आंसर होगा यहां पर किस से मर रहा? से, नहीं कैंसर से ऐसा तो है।, तो right का बिल्कुल, बिल्कुल, है।, है कि वह प्यार में गिर गया किसमें गिर गया प्यार में गिर गया अब कटोरा तो है नहीं गिर गया। लेकिन आंसर होगा, क्या लिखा हुआ इन आंसर हुआ बात समझ में आई कि नहीं आगे बेटा बहुत बढ़िया बात है छोटी छोटी बातें छोटी छोटी मगर मोटी बात है ऑफ तो हो गया इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ही इज नॉट पॉपुलर इसका मतलब क्या हो गया पॉपुलर भाई साहब समझ गए क्या प्रसिद्ध आदमी है किसका है प्रसिद्ध आदमी अब देखते हैं कहां पर यह प्रसिद्ध ही इज नॉट पॉपुलर वह पॉपुलर नहीं है किन के बीच में स्टूडेंट्स के बीच में अब आपको अगर याद आई हो बचपन की बात तो पिछले जन्म में हम पढ़ के आए थे कौन सी बात पढ़ के आए थे कि सर अगर बिटवीन आए क्या अगर बिटवीन आए या फिर आए अमंग क्या है अमंग अमंग का मतलब होता है जब मामला दो से ज्यादा के बीच सेट होता है क्या जब मामला दो से ज्यादा के बीच अगर सेट होता है तो अमंग का यूज होता है और अगर दो के लिए फॉर थ्यू ओनली दो के लिए अगर भाई भाई साहब की प्रॉपर्टी जो है ना उसका बंटवारा उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे दो के बीच में डिवाइड हो रही है राम एंड मोहन के बीच में डिवाइड हो रही तो बिटवीन आएगा नहीं आएगा आएगा ना ठीक है अब मान लो उनकी गरीबों में बांट दी भाई साहब प्रॉपर्टी को गरीबी निकम में निकल गए तो उसने अपनी प्रॉपर्टी को क्या करा

है ना क्या होता है डरना होता है डरना होता है अफ्रेड का मतलब भी क्या होता है डरना ये जितने भी वर्ड है ना जिसका मीनिंग होता है डरना उन सभी के साथ यूज किया जाएगा बेटा ये जो अमीर लोग होते हैं ना जिनके बंगले होते हैं घर नहीं जिनके बंगले वो एक नेम प्लेट लगा के रखते हैं पहले तो उनका नाम और साइड में एक और नेम प्लेट आएगी कुत्तों से सावधान क्या कुत्तों से सावधान तो वहां पर लिखा होता है इंग्लिश के अंदर बीवेर ऑफ डॉग्स वाह भाई वाह तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना ऑफ यहां पर बिल्कुल सही आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर होगा आंसर आने चाहिए देखते ही पहले है ना समय बिल्कुल कम है दो घंटे के अंदर डेढ़ सौ क्वेश्चन चिपकाएंगे तब जाकर एग्जाम को फोड़ेंगे छेद करेंगे एग्जाम में आ जाओ फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या दिस बुक इज कलेक्शन शेक्सपियर्स पोइम भाई साहब ये जो किताब है ना जो विलियम शेक्सपियर ने जितनी भी पोइम्स लिखी है कितनी सोनेट्स लिखी है भाई साहब इंग्लिश इंग्लिश के 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 फादर है ये ये पिताजी है, कौन से है? के पापा के नाम से जाना जाता है विलियम शेक्सपियर और विलियम शेक्सपियर ने भाई साहब लगभग थर्टी क्या लिखा था ड्रामाज लिखा था और ड्रामाज आपके सिलेबस में है कहो तो बताओ नहीं कहो तब भी बताऊंगा ड्रामाज के अंदर हमने बात करी थी क्या सुनिए ड्रामा होता है ट्रेजडी जिसमें होता है रोना धोनी

टर्म्स में हम पढ़ेंगे हाइपरबली को याद रखना क्योंकि ये एग्जाम का 21 तारीख को एग्जाम है अब ऐसा नहीं कि सर यही क्वेश्चन है क्वेश्चन से इर्द गिर्द सारे मामा मामाजी पुपाजी जितने भी होते हैं सबकी बात करनी है हमें आज फटाफट

कटेगी बाईस जुलाई दो हजार पच्चीस मतलब दो हजार पच्चीस तक क्या कर रही है देखिए सी वह इन दिस इस firm के अंदर 11 11 सालों से काम कर चुकी होगी भाई साहब में उसे ग्यारह साल हो जाएंगे इस जुगाड़ को सेट करने में तो यहां पर सिंस या फोर के बाद क्या आया टाइम आया सिंस या फोर के बाद ठीक है और दूसरी बात यहां पर विल है वर्किंग आंसर होगा कि नहीं होगा होगा भाई साहब ठीक है डेली इसी टाइम मेरी क्लास होगी मॉडल पेपर टू लेकर आऊंगा कल इस बात का ध्यान रखना मार्केट में जितने भी जितने भी मार्केट में आपके जितने भी मॉडल पेपर चल रहे हैं सबको सल्टा देंगे घबराने की जरूरत नहीं है तो बी आंसर बिल्कुल टका टके फिर लिखा हुआ है द ट्रेन क्या द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन इसका आंसर कौन देगा बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति में शानदार आंसर देने के लिए जल्दी से कौन जीतेगा भाई तीस करोड़ जीते नाम यहां पे लिखा हुआ है द ट्रेन ये जो ट्रेन है ना भाई साहब बिफोर बिफोर यहां पर किसका काम कर रहा है पार्ट ऑफ स्पीच में पूछेगा कनेक्टिव है क्या है ये कनेक्टिव है क्यों है क्योंकि इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जोड़ने वाला और याद रखना है हमेशा जोड़ने वाले को बोलते हैं

ड यह आंसर होगा वाह भाई वाह बहुत बढ़िया बात है यहां से एकदम मस्त आंसर आया शाबाश सभी का आंसर क्या हुआ गलत हुआ सभी का आंसर क्या हुआ गलत हुआ क्यों क्योंकि ये बात आपको पढ़ाते हुए मैंने बताई बताई थी थी क्या बिफोर के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यास आता है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अगर आता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस या एस आता है तो इधर वाले मोहल्ले में इधर वाले मोहल्ले में क्या बचेंगे लड्डू बटेंगे इधर वाले मोहल्ले में हमेशा क्या आता है बेटा या तो आता

फटाफट विल हैव डिपार्टेड आंसर विल बी ए यस गोज टू ऑप्शन बिल्कुल सही सरकार किसी ने भी नहीं जीता ये ना अब तुम दे दो तो 60 करोड़ इधर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए इंडिया फ्रीडम इन 1947 बेटा जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर दे दीजिए भारत ने जीत सॉरी भारत के हवा बेटा फ्रीडम लिया स्वतंत्र हुआ कब 1947 1947 में आजाद हुए थे तुम और मैं सभी घर वाले भी अपने तो ये हुआ पास्ट और पास्ट के लिए बेटा आंसर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है और प्राप्त करना की सेकंड फॉर्म ये हो गई बी आंसर को सल्टाओ जल्दी से बहुत बढ़िया इसके अंदर भी आंसर होगा इसका थोड़ा ध्यान रखिए ठीक है ये एग्जाम में आता है बेटा इसके बाद यहां से देखिए ही आउट फॉर एन मॉर्निंग वॉक ठीक है अ मॉर्निंग वॉक ए आएगा यहां पर ठीक है ही आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक फ्टर ही ब्रेकफास्ट जल्दी से चिपका आंसर क्या होगा यहां से जिसकी नजर पड़ गई वो समझ गया बात क्या वो बात को समझ गया कि आफ्टर यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है और आपको इस बात का पता है या नहीं है मुझे जवाब दे हा में और में जितने भी स्टूडेंट है कि बिफोर एक प्रेपोजिशन होता है या नहीं होता आफ्टर एक प्रेपोजिशन होता है या नहीं होता यह प्रेपोजिशन भी होता है और पढ़ाया था जब मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था साथ ही साथ बच्चे कंजंक्शन भी होता है क्या यह कंजंक्शन भी होता है तो आपको इस बात

बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ अगले महीने में सी बेटर जॉब वह एक अच्छी जॉब प्राप्त करेगी वह एक अच्छी जॉब प्राप्त करेगी तो इसका rang, ठीक है? Rang, जब फोन बजा क्या लिखा हुआ है जब बजा, के बाद तो एक्शन का सेकंड फॉर्म तो ही है यहां पर, लेकिन वहन के इधर वाले मोहल्ले में क्या है? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा फटाफट फटाफट बहुत बढ़िया सभी के आंसर मस्त वाले आए हैं कमेंट

ठीक है अब यहां पर देखिए इसका मीनिंग क्या होता है जल्दी से बता दीजिए बेटा बॉइस ठीरियस इसका मतलब क्या होता है जल्दी से इसका सिनोनिम्स लिखना है क्या सिमिलर वर्ड क्या होगा ठीक है सिमिलर वर्ड क्या होगा या फिर इसका सिनोनिम्स क्या होगा ये आपको बताना है जल्दी से बताए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा इसका बिल्कुल जल्दी से इसका सिनोनिम्स बताइए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा और क्या नहीं होगा एक बार फटाफट से आंसर दे दीजिए बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया बात है यहाँ से शाबाश शाबाश बेटा शाबाश बहुत बढ़िया तो आंसर हो चुका है बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए चलिए जी तो तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां से इसका से देखिए मतलब होता है बेटा शोरगुल क्या होता है शोरगुल शोरगुल का मतलब क्या होता है चिल्ला रहे हो भाई साहब बहुत जबर जबर कर रहे हो कोलाहलपूर्ण ये हिंदी में मुझसे बोला नहीं जा रहा खतरनाक वाला वर्ड है और लिखा भी नहीं जाएगा ये तो कोलाहलपूर्ण लिख देता हूं कोशिश करता हूं गलत हो तो ठीक है को नहीं लिखा जाएगा ना तो कोई बात नहीं आप सुनो सुनो शोरगुल इसका मतलब होता है ठीक है हो 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 गया हो गया साउंड हो गया ह्यूज साउंड का मतलब होता है शोरगुल होता है वर्ड याद बिल्कुल शाबाश बेटा बहुत बढ़िया उमदा प्रदर्शन बेहतरीन इसके बाद साइंस लिखा हुआ है भाई साहब चमकता है चमकीला चमक ग्लिटर्स ये तो आपने प्रोबॉव भी देखी होगी कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया बाबू वाले एग्जाम में क्या बाबू कौन से बाबू बेटा छोटे बड़े बाबू की बात नहीं चल रही बाबू समझ रहे हो ना पोस्ट की सभी चीज क्या नहीं होती सोना नहीं होती तो यहां पर घुमावदार सर्क, सर्कल, सर्कल, सर्कल चक्करदार घुमावदार चक्करदार सर्कल से ही बन गया सर्कल उसे ही कहते हैं तो इसका मतलब इसका हो गया राउंड अबाउट क्या राउंड अबाउट का मतलब होता है गोल 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 घूमना शाबाश बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन

हैं जो आए हुए हैं इस बात का ध्यान रखें ठीक है तो यहां पर अपना क्लोज आंसर हो गया इसके अलावा यहां पर देखिए ट्रांसपेरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट ये ट्रांसपेरेंट यहां पे लिखा हुआ है नलकूप होता है डालने का वो उसमें दिखना चाहिए पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा कई बार फेसबुक पे ऐसी ऐसी मजे वाली बातें चलती रहती है ठीक है तो आपको यह बताना है कि यहां पर यह जुगाड़ आपका सेट होगा या फिर आपका जुगाड़ सेट नहीं होगा फटाफट चिपका दो इस आंसर को ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ बेटा समझ गए क्या पारदर्शी अपारदर्शी तो अपारदर्शी किसे बोलेंगे आप बिल्कुल सही बात है अपार एम्बिग्यूटी क्या होती है एम्बिग्यूटी का मतलब होता है द, अर्थी, जिसका दो अर्थ निकलता हो एक पॉजिटिव निकलता हो एक नेगेटिव वर्ड निकलता हो जैसे हम बोलते तो ना अच्छा तो समझ में नहीं आ रहा अच्छा मजाक उड़ा रहा है या कह रहा है कि भाई साहब अच्छा बड़ी समस्या वाली बात है और यहां पर क्रिस्टल कांच बेटा कांच हो गया क्लियर एकदम एकदम क्लियर नो डाउट इट मीन दैट

करेक्ट आंसर इसका वो ही होगा तो जल्दी से बताओ कौन सी आवाज आई किसके दिन की घंटी आवाजी आई ट्रस्ट यू ठीक है आई ट्रस्ट यू मैं तुम पे विश्वास करता हूं तोड़ मत देना बाबा विल विल बियर विदमी विद सॉरी विल बियर मी तो यहां पर बताइए बियर मी का मतलब क्या है यार है ना बियर मी का मतलब क्या है बियर का मतलब होता है सहन करना और सहन आदमी कब करेगा सहन आदमी कब करेगा जो सहन कौन कर सकता है ना बियर का मतलब हो गया सहन करना और आदमी सहन का कौन करता है जिसके पास धैर्य होता है क्या जिसके पास धैर्य होता है किसी लड़के का नाम मत कर लेना ना धैर्य कि साहब वो होता है ना केवल जिसके पास धैर्य होता है वही सहन करता है तो इसका मतलब कर रहे आंसर क्या हो बेटा है तो कमाल की चीज होगी बेटा ना ये तो बहुत ही कमाल की चीज हो गई और अभी आंसर आना बहुत मुझे लग रहा है टेढ़ी खीर हो गया अपना जुगाड़ बैठेगा नहीं यहां पर ठीक है तो बहादुरी का काम हो गया अपना खत्म ठीक है शाबाश तो बात समझ में आ गई इसका कर रहे आंसर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ठीक है हैव विद पेशेंस हैव विद पेशेंस का मतलब होता है जी बिल्कुल हैव विद पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना सबर रखना थोड़ा सा क्या रखना सबर रखना इसका मतलब होता है करेक्ट आंसर हो गया हैव पेशेंस बियर क्योंकि बियर से आप समझ सकते हो एक बार थोड़ा सा आ जाइए सर बियर का मतलब क्या होता है बियर का मतलब होता, होता, होता है सहन करना बियर का मतलब क्या हो गया सहन करना हो गया और सहन करने को क्या बोलते हैं समझ गए बात बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस हैव पेशेंस तो सबर रखना या फिर धैर्य रखना इन सब का मतलब होता है बात समझ में आ गई कि यहाँ तक कि आगे बढ़े बहुत बढ़िया बात है tell अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए एक ही मिनट में सही हो जाएगा सारा मामला ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जब तक जो क्वेश्चंस करवाए गए थे उनको आप रिकॉल कर लीजिए बिल्कुल सरकार ट्रेन के बीच में गाय आ गई थी ट्रेन टूट गई इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब मामला ठीक हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहां से जल्दी से आ जाइए और यहां पर फिर आप देखेंगे आगे

पता नहीं किसने बनाया ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो गया है, है? तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गया आजकल अब यहां पर देखिए यह ना यहां मामला सेट करना है बेटा ये क्या लिखा हुआ है सुन लो वैन ट्रेड वॉज ब्रिक ही वर्कड हार्ड एंड मेड हिज फॉर्चून ही बिलीव्स इन मेकिंग विद द सनसाइन तो बेटा इसका करेक्ट जो है ये रहा ये है ईडियम वहां पर अंडरलाइन होकर आएगी यहां पर थोड़ी अंडरलाइन बिल्कुल घूमने चली गई थी कोई बात नहीं है ये गार्डन में बैठी हुई थी अंडरलाइन लेकिन वहां पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा यहां पर हम कर देते हैं वाई इध द सनसाइन जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताया ये मैंने आपको बताया था बेटा ये मैंने आपको कई बार बताया था और अच्छे से और बताया था बहुत बार बताया था कि है, इसका मतलब क्या होता है जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका देखिए टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी ओके अर्निंग मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन ठीक है अर्निंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द बिल्कुल इन्फ्लुएंश ट्रेंड्स ट्रेंड्स ठीक है तो यहां पर क्या होगा देखो हे सनसाइन hey, यानी जो भूसा होता है ना भूसा उसको आ, जो अनाज होता है उससे दूर कब करते हैं जब सुखाते कभी जब सूरज चमकता है जब तो गीली चीज जब तो सूखेगी तो अपॉर्चुनिटी का या लाभ उठा लेना वही आपका क्या होता है ए ऑप्शन सही है वैसे तो तुम ठीक दे रहे हो आंसर इसका आंसर बताइए अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है ठीक है बात समझ में आ गई ना क्यों नहीं है बिल्कुल बिल्कुल बेटा बहुत अच्छी बात है यहाँ से तो करेक्ट ऑप्शन आपके हो चुके हैं यहाँ से शाबाश थोड़ा सा क्लास में डाउन फॉल देखने को मिला का है? क्योंकि क्लास के अंदर बीच में अवरुद्ध हो गया था वेन वर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स लेट डाउन दियर आर्म्स अब बेटा यहां पर बताइए यहां पर देखिए लेट डाउन दियर आर्म्स डाकुओं ने अपने हथियार डाल दिए अब जब डाकू अपने हथियार डालेंगे ना जब डाकू अपने हथियार डालेंगे तो फिर क्या होगा फिर अपना क्या होगा जी बताओ जल्दी बताओ बहुत बढ़िया बात है तो यहां होगा पुट आर्म्स ऑन द ग्राउंड अपने हथियारों को डालना अरे बेटा इसका मतलब क्या होता है? Surrendered, surrendered का मतलब क्या क्या होता होता है 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 ना का अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना अब यह वतन तुम्हारे हवाले साथ हो चलो जी चलो अब ये एग्जाम भी तुम्हारे हवाले है तो यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा यहां पर सरेंडर्ड हो गया यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देना क्या कर देना सरेंडर कर देना ठीक है अब इसके बाद यहां से देखिए लिखा हुआ है हेलना वॉज ऑवर हैड एंड ईयर्स इन लव लवि विद डे मेरी टेस्ट इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर फटाफट फट्ट बता दीजिए बेटा तो यहां पर यहां पर अंडरलाइन वर्ड हेड एंड ईयर्स ये ये है आपकी एडियम्स हेड एंड ईयर्स यानी कि सर और कान दोनों ही खोपड़ी और कान दोनों खोल के सुन ले यानी पूर्ण रूप से तैयार रहे इस बात के लिए तो कंप्लीटली इसका आंसर होगा क्या होगा इसका आंसर कंप्लीटली होगा कि पूर्ण रूप से तैयार होना बिल्कुल सही बात है बी आंसर एकदम टकाटक है इसके बाद यहां पर देखो गोपी वर्स जो गोपी नाम का इंसान है वर्क्स वो काम करता है कैसे बाई फिट्स एंड स्टार्ट क्या बाई फिट्स एंड स्टार्ट तो ये फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है रीट के अंदर जो रीट कैंसिल हुई थी उस

फिट तो देखो स्टैंड ऑन इज फिट अपने पैरों पर खड़ा होना क्या अपने पैरों पर खड़ा होना इसको इसका मतलब क्या होता है किस इंसान को कहते हैं कि तुम हमेशा अपने पैरों पर पे खड़े रहिए तो इतने दिनों तक क्या दूसरे के पैरों पर पे खड़े थे मैं? हमें तो शुरू से अपने पैरों पर पे खड़े हुए थे थर्टी सिक्स का ये थर्टी सिक्स कहां पर आ गया भाई अच्छा रुको 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 कलाकार रुको, रुको तुम तो. लो जी लियो. इरेगुलर सही बात है थर्टी सेवन का क्या होगा टू बी सक्सेसफुल बिल्कुल सफल होना ये होगा क्या टू बी इंडिपेंडेंट वाह भाई वाह या सक्सेसफुल वाह भाई जल्दी से बता दीजिए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा इसका मतलब होगा इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर होना क्या आत्मनिर्भर होना अपने पैरों पर खड़ा होना इसका मतलब आत्मनिर्भर होना बात समझ में आई कि नहीं आई आ गई बहुत बढ़िया बात है आत्मनिर्भर हो गया इसके बाद हम बात करते हैं कहा बात करते हैं द पैशन ऑफ इज ए बॉर्न ऑफ कनेक्शन ये क्या होता है ये है अंडरलाइन वर्ड ये आपकी इडियम्स है और इस ईडियम्स का मतलब क्या होगा अ सब्जेक्ट ऑफ पीस यानी कि सॉरी सब्जेक्ट पीस का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ ओलिव ब्रांच बेटा ओलिव ब्रांच अगर इडियम आती है ना तो इस ओलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस क्या पीस यानी शांति होता है ठीक है ए सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार का एक ट्रेड ना जीना ए सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ना जीना इसका मतलब होता है ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़े का कारण क्या झगड़े का कारण इसका मतलब होता है झगड़े का कारण ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट जी बिल्कुल यही आंसर आपका करेक्ट होगा करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया बेटा इसके बाद यहां पर देखिए माई फ्रेंड टर्न ए डीफ ईयर ट डीफियर अपने कानों को बहरा कर लिया अरे कानों को बेहरा कर लिया मतलब क्या हुआ मतलब इस सुनता ही नहीं है तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है भाई तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है इसका मतलब क्या हो गया पेड नो हीड हीड का मतलब होता है बेटा ध्यान तेरा ध्यान किधर है तेरा क्वेश्चन इधर है तो ऑप्शन क्या हुआ बेटा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हुआ आपका कोई भी समस्या वाली बात इसमें नहीं है इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई डिड नॉट माइंड वॉट ही वॉज से ही वॉज ओनली टेकिंग थ्रू हिज हेड ठीक है टेकिंग थ्रू हिज हेड अब यहां से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा जल्दी से बता दीजिए आई डिड नॉट माइंड ही वॉज से ओनली टॉकिंग टॉकिंग थ्रू इज हेट ये है आपकी एडियम टॉकिंग थ्रू इज हेट मतलब दिमाग से नहीं बोलता वो टॉपी से बोलता है दिमाग से नहीं बोलता वो टोपी से बोलता है तो जो आदमी दिमाग से नहीं बोलेगा और टोपी से बोलेगा तो नॉन ही तो बाकी बातें करेगा तो टॉकिंग नॉन इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है वॉट द ओरिजिनल नेम ऑफ अनिता देसाई अनिता देसाई का ओरिजिनल नाम क्या था अनिता देसाई का पूरा नाम क्या था बताइए यहाँ से तो अनिता देसाई का जो नाम क्या अनिता देसाई समझ रहे हो क्या ग्रेड सेकंड की क्लास है मामला सेट हो रहा है इसका मतलब लिटरेचर के क्वेश्चन आगे अनिता जल्दी से आंसर कीजिए इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल भि शाबाश अमन राही गौर बहुत बढ़िया बात है सुरेंद्र यादव बहुत बढ़िया बात है संगीता सोनू कुमारी बिल्कुल कविता बेरवा एंड ये कौन है भाई साहब अख्तर वाह मीनाक्षी चंदू मीनाक्षी सिटी से है ये पहाड़ियों की से है ना ठीक है उमेश गुप्ता जी सी आंसर अनीता मजूमदार देसाई बिल्कुल बात समझ में आ गई यहां पर बिल्कुल सही है अनीता मजूमदार देसाई यहां पर हो गया इसके बाद देखिए द बैचलर ऑफ आर्ट्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसने लिखा था भाई साहब तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसने लिखी थी नाइन जी बिल्कुल कब लिखी थी नाइनटीन थर्टी सेवन इज बाई आर के नारायण क्या था ये क्या था मिस्टर संपत भी किसने लिखा था और आर के नारायण साहब को जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वो साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके कब मिला था पहले तो बताए कब मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड और कौन सा उनका क्रिएशन था जिसकी वजह से उनको मैंने जब भी कोई बच्चा आंसर देगा ग्रेड सेकंड का तो क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज तुम्हारे पास है इंपॉर्टेंट नॉलेज जरूर सेंड करें क्या जरूर सेंड करें बिल्कुल बताइए द बैचलर शब्बाजा फोर्टी टू का करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहां पर देखिए शॉर्ट स्टोरी था क्या नहीं था शॉर्ट स्टोरी कैसे हुआ है यह शॉर्ट स्टोरी था शर्टा इधर से पड़ेगी ऑनलाइन तब पढ़ यहां देखिए बेटा नोवेल था क्या था ये एक नोवेल था जो किसने लिखा था ये आर के नारायण महोदय ने लिखा था नाम क्या था बेटा यहाँ से जी बिल्कुल द बैचलर ऑफ आर्ट्स था ठीक है दिया। अब दूसरी बात साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था जल्दी से पूरा लिखिए साहित्य अकेडमी साहित्य अकेडमी अवार्ड गाइड के लिए मिला था 1960 में मिला था ऐसे बताया गया कब बताया गया कि द गाइड इन्होंने एक नोवेल और लिखा था द गाइड नाम का द गाइड जो आपने कब लिखा था उन्नीस सौ का यह पब्लिश हुआ था और उन्नीस में जो द गाइड लिखा हुआ था उन्हीं के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था यह बात आपके समझ में आ गई होगी देखिए रविंद्रनाथ ठेगोर वॉज राइट पोइट, कंपोजर फिलोसोफर एंड पेंटर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक राइटर थे पोइट थे, थे, थे क्या थे बेंगोली थे तो यहां से आपको पता होना चाहिए। ये एक बेंगोली था बेंगोली थे और इनको इनको नाइनटीन में गीतांजलि के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था एक बार जल्दी से बता दें नोबल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर वन वा, नोबल पुरस्कार क्रिएशन ऑफ पॉइंट पॉइंट्स एक कलेक्शन इन्होंने लिखा था गीतांजलि के नाम से और उन्हीं के लिए इनको ये चीज मिली थी 1964 में पदम भूषण किसको किसको नारायण साहब को ठीक है आगे बात समझ में यहां पर बहुत बढ़िया बात है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना यहां डी हो गया तो देखो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते ना पर आपके पास जितनी भी डिटेल है ना उस राइटर से अकॉर्डिंग क्लिक क्लिक चाहिए चाहिए माइंड के अंदर क्या करनी चाहिए? क्लिक, बिल्कुल मृत्यु को वापस आ गया मौत देखते रह गई कि आएगा नहीं आएगा नहीं इंट्रोडक्शन जो गोल्डन थ्रेसोल्ड लिखी गई थी यह गोल्डन थ्रेस होल्ड किसने लिखी थी और कब लिखी, तो लिखी, लिखी, लिखी थी जी बिल्कुल नोबल प्राइज फॉर बिल्कुल सही बात है 1913 के अंदर लिखा था बांग्लादेश का

तो ये इंट्रोडक्शन किसने लिखा था ऑर्थर होज ने ऑर्थर सी क्लार्क ने ऑर्थर हार्डन ने, ने या ऑर्थर सेमस ने जल्दी से बताया इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा था जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दीजिए इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा था तो इंट्रोडक्शन लिखा था सरोजनी नायडू की जो थ्रेस था उसका ऑर्थर सेमस ने लिखा था बेटा डी आंसर बिल्कुल सही है इनका ठीक है

इंट्रोडक्शन लिखा था ये बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से कौन से तरीके से अच्छे तरीके से इसके बाद यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी बिल्कुल डेडिकेटेड सरगोस हाँ उसको डेडिकेटेड थी सरगोस को यह डेडिकेटेड थी बिल्कुल सही बात है शाबाश फिर यहां से देखें फैमिली कॉन्वर्टेड टू जो तोरुदत्त का परिवार था वो तोरुदत्त का परिवार कौन से धर्म में कन्वर्ट हो गया था क्या बताओगे कौन से धर्म में कन्वर्ट हो गया था तो यहां से कन्वर्टेड किस में कन्वर्ट में कन्वर्ट कन्वर्ट होता बेटा धर्म हो गया था तोरुदत्त तोरुदत्त से याद आया क्या तोरु आरू इनके सबके टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी बहुत कम जीत ही है लेकिन भाई साहब बड़ा बड़ा नाम कर गई थी ठीक है ठीके? आगे बात समझ में बहुत बढ़िया शाबाश बेटा हो जाएगा सिलेक्शन इस बार राही गौर ने कह दिया वाह लिटरेचर को छोड़कर शाबाज बच्चे तो फिर यहां पर देखिए हु रॉट किसने लिखा था एसिफ ग्लेंड इन फ्रेंच फील्ड तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है किसने लिखा था ये तो तुम बता दोगे मुझे ये बताओ ये क्या था एसिफ ग्लेंड इन फ्रेंच फील्ड क्या था कितने इसमें पोइम थी और यह कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में किया गया था तो ट्रांसलेट करने में माहिर थे तौरदत्त जी साहब इन्होंने जी बिल्कुल महिला थे तो इन्होंने काफी कुछ बढ़िया लिखा तोरू था आरू था अफजू था बहुत बढ़िया ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड में इनकी डेथ हो गई थी बहुत बढ़िया बात है तैयारी होनी चाहिए जम के बिल्कुल बिल्कुल मेहनत ऐसी करो कि सफलता झकमार क्या है क्या बहुत बढ़िया बात है तो यहां से अपना जो राइट आंसर होगा सुरेंद्र जी वो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से सीधा यहां से बात जाती है तौरु के एपिसोड में जी बिल्कुल तौर साहब ने लिखा इनकी डेथ हो गई में इनका डेथ जन्म तो आप याद कर ले क्योंकि इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होगा याद करना पड़ेगा इतना इजी है अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी कलेक्शन था एक क्या आ, किसका ट्रांसलेशन का कलेक्शन था एक? किसका था ट्रांसलेशन का कलेक्शन था यह भी आप ध्यान रखें तोरुदत बिल्कुल सही आंसर होगा इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अनीता देसाई वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड एस ए एस ए को बोलते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड अब मुझे बताओ कि जो अनीता देसाई जी थे ये अनीता देसाई जी ने जो इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था वो किसके लिए मिला था जल्दी से बताया इसका आंसर शाबाश बेटा क्या इनको क्राई दिकॉक के लिए मिला था क्या इनको इन कस्टडी के लिए मिला था या फिर इनको फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला था या फिर इनको नन ऑफ दीज इनमें से वो चीज़ है ही नहीं वो क्रिएशन है ही जिसके नहीं जिसके लिए इन्होंने क्या इनको क्या मिला था बेटा जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था तो अनिता देसाई ने साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको किसके लिए मिला था जल्दी से इसका आंसर कीजिए अभी तक आंसर नहीं आया है जल्दी से बताया बेटा और इनका फर्स्ट क्रिएशन क्या था यह भी साथ में

जी बिल्कुल कस्टडी के लिए मिलवा दिया इन्होंने देखो इन कस्टडी के लिए उमेश गुप्ता जी इन कस्टडी के लिए मिला था बहुत अच्छी बात है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना फटाफट जितना जल्दी हो सके राइट और बिल्कुल सही ठीक है बेटा तो यहाँ पर फोर्टी एट ये आपके होमवर्क के लिए हो गया ऐसे से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्च करो ये हर कुछ तुक्के मत मारो बीबीसी सी दोनों में से एक आंसर है ये तो पता है बताओ क्या कौन सा है फिर यहाँ पे देखो नसीम इजैकल वॉन द साहित्य एकेडमी अवार्ड जो नसीम इजैकल महोदय थे उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला था 1983, 1988, 1987, 1985 साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको किसके लिया था फर्स्ट क्रिएशन इनका क्राई द था यह बात बिल्कुल सही है फ़र्स्ट क्रिएशन इनका क्राई द था यह बिल्कुल सही है बिल्कुल सही बात है ऑप्शन सी उनका एकदम सही है और इसका आंसर बता देता हूँ बताऊँ क्या देख लेना ठीक है बेटा राह बिल्कुल सही है हिंट दे दिया है कौन सा सही होगा इसके बाद यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा बेटा बेटा 1983 में नसीम जिन्होंने लिखा लिखा था क्या लिखा था स्कॉर्पियन वाली लिखी थी जब बड़ी जबरदस्त पोईम थी जिसके अंदर भारत के रूढ़िवादिता को बताया गया है या फिर जिसके अंदर भारत के जो ये सिस्टम चलते हैं कि भूत है बंगले हैं इस टाइप की चीजें हैं जो आपके सुपरस्टिशन अंधविश्वास है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है ठीक है बहुत बढ़िया बात है तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका शाबाश बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिफ्टी और यहाँ से आपकी फिफ्टी भाई साहब वॉचिंग की फिफ्टी हो जाए तो बता देना कि सर पचास हो गया ना? जी बिल्कुल दिख नहीं रहे मुझे रॉट द इंग्लिश टीचर नाइनटीन फोर्टी फाइव ये जो द इंग्लिश टीचर जो आपका लिखा गया नोवेल था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बिल्कुल सही बात है जी बिल्कुल पल्लवी दीपक शर्मा जी ग्रेड सेकंड की जो क्लास हो रही है अपनी मॉडल पेपर फर्स्ट यहाँ और वहाँ दोनों जगह वन वन जी बिल्कुल वहाँ दूसरे क्वेश्चंस यहाँ दूसरे क्वेश्चन क्योंकि टोटल क्वेश्चन अपने को कितने देने बिल्कुल बिल्कुल पाँच छः हज़ार सात हज़ार क्वेश्चन करवा चुका हूँ बेटा मैं एग्जाम से पहले पहले तक घबरा नहीं, नहीं आप ठीक है नाइट स्कॉर्पियन गुड इवनिंग बिल्कुल सही बात है यहाँ से चलिए तो यहां से देखिए द इंग्लिश टीचर किसने लिखी थी बेटा आर के नारायण साहब ने लिखा था शाबाश बेटा किसने लिखा था आर के नारायण साहब ने लिखा था बहुत बढ़िया बात है इसके बाद यहां से देखिए फॉर विच नोवेल डिड आर के नारायण रिसीव द साहित्य एकेडमी अवार्ड इनमें से साहित्य एकेडमी अवार्ड आर के नारायण ने कौन से क्रिएशन के लिए इनको मिला था पचास में मुल्क राज आनंद हो गया वाह भाई वाह पचास में मुल्क राज आनंद हो गया देखिए मैं भी तो देखू फॉर विच नॉवल सॉरी पचास यहाँ आएगा इंग्लिश टीचर मुल्क राज आनंद में इंग्लिश टीचर कहाँ से आ गया रहे? है पिटोगे पिटोगेगा तुम अभी है मुर्गा बना दूंगा अभी सबको यहाँ से हर कुछ हर कुछ बोल रहे हैं द गाइड बिल्कुल सही है आर के नारायण 1960 के अंदर द गाइड बिल्कुल सही है साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको द गाइड के लिए मिला था 1960 के अंदर और 1964 में पदम भूषण क्या पदम भूषण इनको मिला था इसके बाद यहाँ से देखिए इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज एक्ल सेज दैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड बेटा यहाँ रेंगना होता है क्रॉल्ड का मतलब क्या होता है रेंगना होता है हालांकि ये अपने अंदर से क्वेश्चन आया है पोइम के अंदर से क्वेश्चन आया है जी हाँ तो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो शायद हो सकता है आपका आंसर ये सही हो जाए जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन था ये जो पोईम थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज एल सेज दैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रेड तो इसमें कहा था बेटा बिनित एक राइस क्या बिनित एक् ऑफ राइस यानी चावल के चावल का जो बोरा था वहां चला जाता है कौन आपका जो बिच्छू था वहां पर कौन था बेटा जो आपका बिच्छू था वो वहां चला जाता है इसके बाद यहां से देखे वॉज नेम ऑफ आर के नारायण वाइफ आर के नारायण की पत्नी का क्या नाम था भाई तो राजम नाम था क्या था राजम नाम का ये छोटे छोटे क्वेश्चन है छोटी छोटी मगर मोटी बातें फर्स्ट नॉवल ऑफ अनिता देसाई अनिता देसाई का पहला नॉवल कौन सा था द पिकॉक क्या द पिकॉक था जिसके अंदर

एंड और हेज सेंस तो उसके पास सेंस अगर वो अपने को देखो पहले इस बात का पता चल गया कि वो मूर्ख है तो उसके पास फिर सेंस कितना होगा वो मूर्ख है और भाई साहब उसने हेलीकॉप्टर का आविष्कार कर दिया पगला रहे हो क्या ना जी ना बिल्कुल बहुत बढ़िया कतई जाहिर तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया लिटिल क्यों क्योंकि लिटिल का मतलब होता है न के बराबर क्योंकि न के बराबर होता है बंदर नीता और बंदर नीता बंदर था क्या केट बिल्ली थी तो यहां पर सी इज अ फूल वह मूर्ख है एंड और हेज हेज सेंस

माई अपार्टमेंट भाई साहब जो मेरा अपार्टमेंट है ना मेरा जो अपार्टमेंट है इज टू द हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल से कहां है तो मेरा अपार्टमेंट इज टू क्या लास्ट होगा नियरेस्ट होगा या नेक्स्ट हो गया या नन होगा बेटा नियरेस्ट तो हो ही नहीं सकता क्यों नियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और अगर सर एलिटिल ना ना, ना एलिटिल नहीं होगा बेटा एलिटिल तो उसकी बुद्धि है और जिस इंसान में बुद्धि है वो मूर्ख कैसे हो सकता है

यहां पर जल्दी से आयरन इज मोर यूजफुल देन मेटल आयरन इज क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना आयरन इज मोर यूजफुल देन देन मेटल यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डिग्री है बेटा और अगर डिग्री डिग्रीटिव है तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि आंसर एनी नहीं होगा देन एनी अदर ये इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इसके बाद यहां से देखिए द फैमिली इज मॉर्निंग यानी फैमिली द फैमिली द फैमिली द फैमिली इज मॉर्निंग मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना रोना दो ना विलाप करना या रोना धोना विलाप करना तो द फैमिली अब यहां से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कौन सी चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल रेट की भी तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं देखो ऑल के बाद तो आता है द और अगर द शुरू आता है ना बेटा तो इसके बाद आता है होल क्या आता है होल तो यहां पे लिखा हुआ आएगा द होल फैमिली यानी जो पूरा का पूरा जो परिवार है इज मॉर्निंग ऑन हर डेथ वह वह उसकी मृत्यु के ऊपर विलाप कर रहा है सदमे में है भाई साहब देर आर स्टील फ्लावर्स इन द गार्डन देर आर स्टील फ्लॉर्स

सॉरी सी गॉट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना सी गॉट बेस्ट अपॉर्चुनिटी करेक्ट आंसर दीजिए इसका इसका राइट right आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा बेस्ट यहां से सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट यहाँ से सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल क्या आता है द आता है तो यहाँ पे द बेस्ट बिल्कुल सही आंसर होगा द आंसर बिल्कुल सही आंसर है यहां पर इसके बाद यहां से देखिए आई हैव ने सीन सच सच बिग बुल ऐसे एक बड़े सांड को हमने कभी नहीं देखा तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा यहां पर बिग बुल क्या होगा आर्टिकल ए ही तो आएगा यहां पर ना आर्टिकल ए ही तो आएगा यहां पर बिल्कुल सही बात है तो ए आंसर हो गया अगर ये आर्टिकल में इनमें अगर तुम गलती कर दो तो फिर तो मुर्गे बन जाओ भी के भी पीछे जाके जाओ शाबाश बहुत अच्छी बात है मजा आ गया यहां पर फिर यहां पे देखिए ओनली पीपल कैन स्पीक द ट्रूथ क्या लिखा ओनली पीपल कैन स्पीक द ट्रूथ ठीक है तो यहां पर देखिए केवल कुछ लोग हैं जो सत्य बोलते हैं क्या बोलते हैं केवल कुछ लोग हैं तो ये पीपल तो काउंटेबल है तो एफ यू ओनली एफ यू एफ यू यानी कुछ फ्यू कर दिया तो न के बराबर तो फिर मतलब ही क्या निकला ठीक है बिल्कुल सही है आंसर फिर यहां पे देखें दे नथिंग नथिंग बट मिजरीज इन हर लाइफ

प्रॉपर्टी अब देखो नन बट सी अब यहां पर बेटा नन बट आ गया वही सिंगुलर वर्ब आएगी वो नन वन बट सी वॉन्ट्स योर अपॉर्चुनिटी ठीक है सिंगुलर तो वर्ब है, है हाँ जी बिल्कुल फिर इसके बाद देखिए यहां से मेनी अ स्टूडेंट सक्सेस आफ्टर हार्डवर्क आपको मैनी ए या एन या फिर मैनी में मैंने डिफरेंस बताया था कि मैनी अगर आता है तो वो ऑलवेज टाइम प्लूरल कंसिडर किया जाता है उसके बाद में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है तो उसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है इसका मतलब सब कुछ प्लूरल होता है तो मैनी स्टूडेंट मैनी ए स्टूडेंट और इसके साथ में क्या आएगा इसके साथ में आएगा बेटा मैनी ए स्टूडेंट सक्सेज आफ्टर हार्ड वर्क तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी गेट्स आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा गेट्स क्यों अगर यहाँ पर खाली अगर मैनी ही लिखा होता तो फिर गेट आंसर होता ध्यान रखना यहाँ पर फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च रिसेंटली ठीक है अब यहाँ पर ए वेराइटी ऑफ आ गया अब आपको ऐसे कुछ याद आ रहा होगा ए नंबर ऑफ हो गया ए ए सॉरी नंबर ऑफ हो गया ए लार्ज नंबर ऑफ हो गया ए ग्रेट नंबर ऑफ हो गया या फिर ए वेराइटी ऑफ हो गया इनके बाद में वह प्लूरल आती है अगर एक ही जगह में द कर देता हूँ द नंबर ऑफ कर देता हूँ द लार्ज नंबर ऑफ कर देता हूँ या फिर द वेराइटी ऑफ कर देता हूँ ऐसा अगर मैं कुछ भी कर देता हूँ तो उस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या होता है बेटा उस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या होता है द वाले में सिंगुलर होता है ए वाले में प्लूरल होता है तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा अपना प्लूरल तो है वो आंसर हो गया ठीक है बिल्कुल सही बात फिर देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल कैम टू अटेंड द फंक्शन इन थाउजेंड्स क्या इन थाउजेंड्स ठीक है तो यहाँ पर द फंक्शंस वर इन थाउजेंड्स ठीक तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर देखिए वर आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर बिल्कुल सही है वर इन थाउजेंड्स ठीक है क्योंकि यहाँ पर तो वर्ब का वही नहीं है बेटा सब्जेक्ट का सिस्टम ही नहीं है द नंबर ऑफ पीपल कैम टू अटेंड द फंक्शन ठीक है अब बेटा यहां पर वो आंसर होना चाहिए ऑप्शन में नहीं है इसको आप हटा दीजिए इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें वो जो ऑप्शन में नहीं है द नंबर ऑफ के साथ नो रीजंस वर्क इवन बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा शाबाश बच्चे आ जाओ जल्दी से आर तो हो ही नहीं सकता ना No reasons were given. No reasons were given. ठीक है, आर तो प्रेजेंट है तो यहां पर फर्दर बिल्कुल सही है फर्दर और फार्दर में डिफरेंस बताया था का मतलब होता है दूर दूर भाई साहब और फर्दर का मतलब होता है आगे नो फर्दर रीजन यानी आगे कोई कारण नीचे काम होना चाहिए मतलब काम होना चाहिए यहां लिखा हुआ है सी योर मनी बट कंपनी ठीक है ठीक है बेटा इसमें यहां पर आपका सी नीड नॉट टेक टेक तो यहाँ पर वर्ब नहीं थी बाकी आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है सी नीड नॉट टेक योर मनी क्योंकि बेटा मॉडल मॉडल के बाद क्या आता है मॉडल के बाद तो वर्ब का फसवा आना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई मॉडल नहीं होता जिसके साथ वर्ब नहीं आती ऐसा कोई मॉडल नहीं होता जिसके साथ वर्ब नहीं आती तो काफ़ी ज़रूरी होता है फास्ट करवाइए बिल्कुल अरे भाई साहब टाइम क्या हुआ है फोर थर्टीन एक घंटे के अंदर इकहत्तर क्वेश्चन चेप दिए ये कम स्पीड है क्या बाबा जल्दी चलो आई वॉन्ट टू अर्न मनी सो so देट तो यहां पर सो so देट आ गया सो देट के इस साइड में वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है तो उस साइड आंसर क्या होगा केन होगा मान लीजिए सो देट के इस साइड वर्ब का सेकंड फॉर्म होता तो उस साइड आंसर क्या होता फिर कुड होता तो यहां पर इस सो so देट को आप निश्चित रूप से ध्यान रखें कि सो so देट वाला डिपार्टमेंट क्या कहता है इधर अगर फर्स्ट फॉर्म होता है तो इधर आपका केन होता है इधर आपका सेकेंड फॉर्म होता है तो इधर आपका कुड होता है ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा केन होगा क्योंकि वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म है ठीक है बहुत बढ़िया बात है फिर यहाँ देखो चिल्ड्रन चिल्ड्रन स्लीप अर्ली है ना बच्चों के लिए अच्छा होता है हेड बेटर बच्चे चिल्ड्रन हेड बेटर स्लीप अर्ली बच्चों के लिए अच्छा हेड बेटर यानी अच्छा है तो बच्चों के लिए अच्छा है कि वो जल्दी सो जाए क्योंकि फिर काम है जल्दी सोना अच्छा होता है ठीक है फिर यहाँ से देखिए द एम्प्लॉयीज कंप्लाई विथ द गाइडेंस तो बेटा मस्ट जो भी कंपनी के एंप्लॉज होते हैं ना को निश्चित रूप से ही पालन करना चाहिए किसी भी इंस्ट्रक्शन का ठीक है जब -जब करने लग बात समझ में आ गई तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका मस्ट क्योंकि रेगुलेशन तो आपको मानने पड़ेंगे यू हैव टू ऑब वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा नो no डाउट इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं फिर देखिए आई डेफिनेटली रिटर्न योर मनी ऑन मंडे मैं निश्चित रूप से ही तुम्हारा पैसा मंडे को लौटा दूंगा तो यहां पर मॉडल के हिसाब से आपको लग गया होगा कि फुल डिटरमिनेशन के साथ कह के रहा है बंदा अलग से इनके अलावा जो सब्जेक्ट होता है वहां किसका यूज किया जाता है शेल का यूज किया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना विल आंसर करेक्ट हो गया फिर यहां से देखिए यहां पर ही सेट टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले फायर तो जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा जल्दी से बताएं इसका राइट right आंसर क्या है 76 सिक्स का बिल्कुल क्या आंसर होगा तो यहां से सीधा हम देखेंगे क्या देखेंगे ध्यान देना है यहां आई है फर्स्ट है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ही में बदलेगा तो यहां पर भी ही है यहां पर भी ही है और कनेक्टिव आता है बेटा क्या डेट आता है ठीक है ये भी सही है हेज जब हेड में बदलेगा तो यहाँ पर तो हैज दिया हुआ है इसीलिए गलत है यहाँ पर आपका दिया हुआ ही नहीं है इसलिए गलत है हेड यहाँ पर है तो अपना ऑप्शन क्या हो गया बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्या क्योंकि पूरे को थोड़ी ना करेंगे बेटा सेवेंटी फाइव को दोबारा देखो ओके okay, जी ओके okay, ये सेवेंटी फाइव आ गया ठीक है आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर मनी ऑन मंडे बिल्कुल सही बात है आई विल सही बात है कि इसमें क्या टेंशन है ठीक है इसके बाद यहाँ से देखिए द कैप्टन सेट टू हिज मैन स्टैंड एट इजी मतलब कैप्टन ने ऑर्डर दिया कमांड दिया बेटा ना तो द कैप्टन द कैप्टन द कैप्टन यहाँ पर देखिए कमांडेड इसमें है तो यहाँ देखिए द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड और कनेक्टिव क्या आता है टू आता है क्यों क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो फिर आपका आंसर क्या हुआ इसमें डी आंसर हो गया इसके बाद यहाँ से देखिए पवन सेट टू में क्या लिखा हुआ है पवन सेट टू पे लिखा हुआ है तो यहाँ से देखिए पर जो अपना करेक्ट पर तो तो इफ, इफ तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही में बदलेगा ठीक है तो देट इफ ही हो गया देट इफ ही हो गया देट इसमें देट नहीं है गलत है डेट इफ ही हो गया फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलती है तो ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है एनी हो गया एनी हो गया ठीक है और यहाँ पे न्यूज़ हो गया न्यूज़ हो गया यहाँ पर विल दिया हुआ है आई विल विल बदले देगा वुड में जो इसमें नहीं है इसमें है तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या होगा बेटा डी हो गया चेक कर लो फटाफट 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 फटा, 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 एक नज़र आप भी डाल लो ना एक नज़र क्या डाल लो आप भी एक नज़र डालो थोड़ा बढ़िया रहेगा ठीक है सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइन क्या होगा ध्यान से देखो द टीचर सेट टू महेश क्या लिखा हुआ है द टीचर सेट टू महेश टीचर ने महेश से कहा कॉन्ग्रेचुलेशन विश यू सक्सेस इन लाइफ कॉन्ग्रेचुलेन्स आपको बहुत बहुत बधाई हो क्यों बधाई हो क्योंकि आपने जीवन में क्या कर लिया है जीवन में आपने सक्सेस हासिल कर ली है तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर क्या हुआ द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड सही बात है कॉन्ग्रेचुलेटेड गलत हो गया कॉन्ग्रेचुलेन कांग्रेचुलेटेड हो गया महेश हो गया एंड हो गया एंड हो गया सेड नहीं आएगा बेटा यहां पर आएगा विस्डे क्योंकि आपने क्या किया है विश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान के चलिए तो विस्डे और विस क्या किया किसको उसको यू क्या है सब्जेक्ट सॉरी यू क्या है वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट

फिर यहां पर देखिए एक्सक्लेम्ड तो होगा ही नहीं एक्सक्लेम्ड तो होगा ही नहीं आज होगा ही नहीं और कनेक्टिव टू आएगा इसे तो बेटा टू कनेक्टिव है यहाँ पर टू टेक ऑन हिम सही बात तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यानी अग्रेसिव मूड में थोड़ा सा कहना गुस्से में थोड़ा सा कहना अग्रेसिव मूड में थोड़ा सा कहना वाह भाई पल्लवी दीपक शर्मा जी थैंक यू सो मच बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यहाँ एटी लिखा हुआ है एट्टी क्या कह रहा है एट्टी वन यहां से कह रहा है वेर विल यू

ठीक है यहां पर आ गया यू 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 गाई यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई 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 यहीं में बदलेगा ठीक है अब जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा और विल का वुड होगा विल का क्या होगा वुड होगा तो चेक कर लीजिए विल का वुड किस में है ना 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 राही घोर ऐसी कुछ नहीं है तो यहां पर देखिए विल का वुड होगा तो ये हो रहा वुड यहां विल है यहां पर आपका जुगाड़ खत्म है यहां आपका जुगाड़ वैसे ही खत्म है तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है चेक कर लीजिए बेटा एक बार शांति से बढ़िया तरीके से आप चेक कर लीजिए ठीक है चलो सीता सेट टू मी सीता ने मुझसे कहा कैन यू गिव मी योर पेन क्या तुम तुम्हारा पेन हमको दोगे तो बेटा यू यहाँ से चेक कर लो इम्पेरेटिव में बेटा इफ कनेक्टिव आएगा तो इसमें तो है ही नहीं इफ येरा इफ येरा और इफ़ ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई तो आई येरा आईरा आई येरा ये कैन किस में बदलता है कुड में यहाँ पर कैन का कैन है इसलिए गलत है ये कुड है इसमें कुड है ही नहीं सी आंसर बिल्कुल सही है इतना वक्त काय में लग रहा है भाई चल्टाओ फटाफट फटाफट देखते हैं पहले उड़ा दो इनको है ना द फादर वॉन्ड ही सन दैट ही शुड बी बेर ही शुड बी बीवेयर बीवेर ऑफ हिम ये ऑलरेडी बेटा बना हुआ है ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर यहाँ शुड है अगर यहां पर शुड है तो इसका मतलब ऑप्शन में आपके पास क्या होगा शेल होगा आपके पास ऑप्शन में क्या होगा बेटा शेल होगा या फिर आपको एडवाइस के सेंस में कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दीजिए चलो जी चलो शबस तो यहां देखिए द फादर वॉन्ड सन पिताजी ने उनके बेटे को वॉन कर दिया वी वेयर ऑफ हिम कि बेटा सावधान रहना उससे द फादर ये चेप वेप नहीं आएगा बेटा ठीक है चेप नहीं आएगा यहाँ पे फिर यहाँ पर हिम द फादर वॉन्ट इज सन बी केयरफुल ना केयरफुल तो है ही नहीं वर्ड वर्डी अपने पास डोंट ये भी नहीं है तो सीधा सीधा अपने पास ए आंसर होगा जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर कर दीजिए ज़्यादा कुछ लोड लपेट की जरूरत नहीं है क्वेश्चन वो है बेटा जो एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में आपको आए हुए दिखेंगे मिलेंगे मिलेंगे मनन सेड मनन अन आस्ड रॉन मनन ने आज रोहन ऐसा कैसा हो जाएगा कनेक्टिव इफ या वेदर आएगा हैव यू सेट इन ए ट्रॉली बस बिफोर हैव यू सेट क्या तुम बैठे हो कभी कभी ट्रॉली बस में ना तो यहां से बेटा वेदर बिल्कुल सही है यू ही बिल्कुल सही है और हैव हे, का हेड बदलेगा ये भी सही है तो यहां पर बाकी देख लो किसी में आ रहा है किसी में भी नहीं आ रहा तो फिर आंसर आपका क्या होगा ए ही हो गया इसमें देखने की कोई बात नहीं है बेटा ना बिल्कुल सही आंसर है बढ़िया आंसर है मस्त आंसर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया ही सेट टू द इंटरव्यूअर ठीक है ही सेट टू द इंटरव्यूर कोई प्रॉब्लम नहीं है कुडियो प्लीज रिपीट द क्वेश्चन कुड्यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन तो भाई साहब रिक्वेस्ट करी जा रही है रिक्वेस्ट करी जा रही है तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर ठीक है ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर ठीक है ही रिक्वेस्टेड टू द इंटरव्यूअर ठीक है ही रिक्वेस्टेड टू द इंटरव्यूअर ये भी सही है कनेक्टिव क्या आएगा बेटा कनेक्टिव क्या आएगा जल्दी से बताया कनेक्टिव इसका क्या आएगा फटाफट फटाफट आंसर दे दीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका कर वेदर क्यों आया बेटा क्योंकि इफ तो कोई ऑप्शन में है नहीं और इफ ऑप्शन में ये वो पूछ रहा है उसको कि तुमने कभी बैठा है या नहीं बैठा है ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं ऑप्शन अकॉर्डिंग कि आपका आंसर क्या होगा या क्या नहीं होगा तो यहां से देख लीजिए इफी होगा कनेक्टिव आपका क्या होगा बच्चे इफी कनेक्टिव होगा ठीक है और यहां पर कुड रिपीट कुड का तो कुड ही रहता है तो कुड होता लेकिन अगर कैन का कुड होता है मे का माइट होता है विल का वुड होता है शेल का शुड होता है इसका मतलब समझ जाओ आगे की कहानी क्या ठीक है डी आंसर है इसके बाद यहां से देखिए ही सेट बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स ही सेट बी क्वाइट ठीक है ही सेट बी क्वाइट एंड लिसन टू माई माई वर्ड्स तो यहां से देख लो माई चेंज होगा हिज के अकॉर्डिंग तो हिज वर्ड्स कहां आ रहे हैं हिज वर्ड्स और यहां पर तो आए नहीं हिज वर्ड्स यहां पर आ रहा है हिज वर्ड्स और यहां पर वैसे ही गलत है तो दो ही आंसर हो सकते हैं जिसमें हिज वर्ड्स है ही ठीक है टू बी ठीक है ही सेड सॉरी ही सेड देम तो ये वैसे ही गलत है ए आंसर है ठीक है बच्चे बात समझ में आ गई क्यों शाबाश इसके बाद इसका आंसर बताइए द गवर्नमेंट लॉन्च ए प्रोग्राम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्ट्रीज द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च देखो बेटा ये वॉइस का सेंटेंस है किसका सेंटेंस है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है अब आपको केवल ये देखना है इसकी वर्ब क्या है ठीक है तो इसका मतलब हेज लॉन्च अगर दिया हुआ है तो हे जे का पैसिव क्या बनता है या बनता है का पैसिव क्या, बनता है? क्या बनता, है? या, बनता है बात समझ में आ गई <laughs> तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा हेज़बिन या हेउ बिन देख लो तो ये तो पहला तो वैसे ही गलत है यहाँ पर ये वैसे ही गलत है हेजबिन एक मेरे पास इसमें आए और एक इसमें कुछ आया ही नहीं है तो जिसमें हेज का पेशीव हेजबिन बनेगा हेऊ का पेशीव हैव बिन बनेगा सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो हेज आ जाएगा सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो फिर मेरा हैव आ जाएगा तो इन दोनों में से ही एक आंसर होना है इन दोनों में से एक आंसर होना है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना सी आंसर बिल्कुल सही है सी आंसर बिल्कुल सही है इसके बाद ये बताइए ए हंड्रेड केयरफुली स्क्रीन पीपल वर इनवाइटेड टू डिनर बाय द प्राइम मिनिस्टर ये ऑलरेडी पैस्यू में ये पैस्यू में कैसे पता चला पहले तो बाय द प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया तो अब ये सब्जेक्ट होना चाहिए तो द प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर पेस्यू क्या बन रहा है वर इनवाइटेड इसका मतलब सेकेंड फॉर्म होना चाहिए इनवाइटेड इन्वाइटेड और ये वैसे ही गलत हो गया आपका सॉरी सॉरी सड और ये हो गया इन्वाइटेड ठीक है इन्वाइटेड टू इन्वाइटेड इन्वाइटेड टू डिनर ए हंड्रेड पर्सन टू डिनर यहाँ पे लिखा हुआ था इन्वाइटेड के बाद टू तो आएगा आएगा तो टू यहाँ पर भी है यहाँ नहीं है तो गलत है यहाँ नहीं है तो गलत है यहाँ नहीं है तो गलत है, है, तो गलत है। अब बता दीजिए सही आंसर कहा कौन सा होगा जैसा क्वेश्चन में है वैसा तो आएगा आएगा ना आप हटा थोड़ी ना सकते हैं कुछ नहीं हटा सकते ना बिल्कुल सही है तो यहाँ से देखिए द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ए हंड्रेड ये ए हंड्रेड अच्छा बिल्कुल सही है ये टू नहीं ए आएगा बेटा ए ए हंड्रेड रुपीज क्योंकि यही तो सब्जेक्ट बनेगा अपना सी आंसर फिर सही है ठीक है इसको हटाओ और यहां पर सी आंसर सही हो जाएगा अपना केयरफुली स्क्रीनड ठीक है इसको छोड़ो यहाँ पे टू तो सी आंसर करेक्ट करो इसमें सही है बेटा सी आंसर ठीक है इट इज़ गुड दैट योर आइडियाज कैन बी एक्सप्रेसड विथ सच क्लियरिटी बाई यू अब यहाँ पर देखिए इट इज़ गुड दैट योर आइडिया कैन भी एक्सप्रेसड वही है क्लियरिटी बाई यू तो यू क्या था आपका सब्जेक्ट था तभी तो इधर ऑब्जेक्ट बना ठीक है तो यहाँ पर देखिए इट इज़ गुड ऐसा कैसा आ गया इट इज़ गुड इट इज़ गुड और इट इज़ गुड दैट इट इज़ गुड दैट इट इज़ गुड दैट इट इज गुड अब यहाँ यू आ गया यहाँ यू आ गया और यहाँ यू आया ही नहीं यहाँ यू आ गया और क्वेश्चन में केन लिखा हुआ है तो केन का केन ही रहेगा पेस में तो केन का केन रहता है तो केन इसमें है कुड़ीस इसमें गलत है कुड़ीस इसमें गलत है क्योंकि हम पेसीयू को सॉल्व कर रहे हैं एट्टी नाइन का देखिए जल्दी से जी बिल्कुल एट्टी नाइन का आंसर फटाफट फटाफट सेंड कर दीजिए एट्टी नाइन में आंसर क्या होगा बेटा अपना ए आंसर हो गया इसके बाद यहाँ से देखिए नाइनटी बिल्कुल बिल्कुल समय हो चुका है समय बिल्कुल हो चुका है बेटा अपना कितना फोर ट्वेंटी सिक्स हो चुका है सब समय सात हजार पाँच सौ ही पद आए हैं रीट में तो गला है भाई साहब खूब है दैट इन्वेस्टमेंट तो by that investment, तो ये बाय के साथ subject का object बन गया तो दैट इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट है दैट इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट है है और दैट इन्वेस्टमेंट क्या है सब्जेक्ट है अब दैट इन्वेस्टमेंट विल का पैसिव विल भी बनता है तो एक्टिव में तो केवल विल ही तो रहेगा ना एक्टिव में तो केवल विल ही रहेगा तभी तो पैसिव बनेगा हेज वाला तो वैसे ही गलत है विल बी वाला वैसे ही गलत है हेज वाला वैसे ही गलत है केवल विल इसी में है तो यही आपका करेक्ट आंसर है ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है इसके बाद फिर यहाँ से देखिए ही हैड ट्रांसपोर्टेड ऑल हीज इक्विपमेंट टू हिज फैक्ट्री हैड आ गया यहाँ पर हेड का पैसिव बनता है बेटा हेड हेडबिन तो चेक कर लो हेड हेडबिन कहाँ है यहाँ पर तो आर आ गया ये वैसे ही गलत है यहाँ वर आ गया ये वैसे ही गलत है यहाँ हे गया ये वैसे ही गलत है हेड का हेड ही होना चाहिए तो यहाँ हेड एक में ही है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है क्यों क्योंकि पेशीयू तो जैसा होता है वैसा ही होता है ना पेश जैसा दिया जाता है वैसा ही होगा ऐसे थोड़ा होगा बहुत बढ़िया बात है शाबाश अब जल्दी से बता दो पचास तो वोचिंग चल रही है कि नहीं चल रही क्योंकि दिख नहीं रही ना जोश जब भी आएगा उत्साह जब भी बढ़ेगा मार्केटिंग प्रोफेशनल्स प्ले ए मेजर रोल प्ले प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स ठीक है मार्केटिंग प्रोफेशनल्स प्ले अ मेजर रोल तो यहाँ लिखा हुआ है ए मेजर रोल इज एम आर थर्ड फॉर्म बनेगा ए मेजर रोल इज प्लेड ए मेजर रोल इज बींग गलत है अ मेजर रोल इसमें है ही नहीं तो अजर रोल इसी में है तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा केवल ए ही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ए आंसर बिल्कुल सही है आपके नाइनटी टू में बेटा शतक होने वाला है एक बार जल्दी से लाइक के निशान सेंड कर दो फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइक के निशान सेंड कर दीजिए एक बार जल्दी से फटाफट बहुत बढ़िया बात है द एनिमीज हैव डेस्ट्रॉइड द अजूबा टाउन है ना अजूबा टाउन अब यहाँ से देखिए जब अजूबा टाउन की बात चल रही है ना तो यहाँ पर हैव डेस्ट्रॉइड तो यहाँ पर इसका आपका ऑब्जेक्ट ये है तो द एजुबे टाउन हो गया अब इसके साथ है जेव तो हैज आएगा क्योंकि नाम है तो वोज तो आ ही नहीं सकता ना क्योंकि अगर क्वेश्चन हैजे उव से पूछा गया है क्वेश्चन अगर हैजेव से पूछा गया है तो पक्की बात है कि आंसर भी हैजे उ देना है तो यहाँ वोज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता हेड का सवाल पैदा नहीं हो रहा है यहाँ है यहाँ पर आएगा इसे तो बेटा इसका कर गलत हो जाएगा द अजूबा टाउन हैज़ द अजूबा टाउन हैज़ बीन तो आपका आंसर क्या हो बेटा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए शाबाश बच्चे बहुत बढ़िया बात है ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखिए रोहित हेड रिटर्न एन ई इन एन एस एन पल्यूशन ठीक है तो हेड का पेसिव बनाना है हेड बिन चेक कर लो किस में वो तो आएगा ही नहीं ठीक है हेड का पेसिव हेड बिन एक तो इसमें है यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है तो सही आंसर यही है देखो कुछ करना पड़ रहा है क्या कुछ नहीं करना पड़ा तो दिमाग की बत्तियां खोल के रखो एग्जाम में टका टका आंसर सही जाएंगे कैसे जाएंगे टका टक बहुत बढ़िया बात है ठीक है तो ही हैड ऑलरेडी टॉर्न द पेजेस ऑफ द ही हैड ऑलरेडी टॉर्न तो वही वो हेड का हेड बीन होगा टोर्न आएगा इसे तो देख लो यहाँ पर हेड का हेड कहाँ तो यहाँ पर तो है ये वैसे ही गलत है ये वैसे ही गलत है हेड यहाँ पर है और बीन भी है बेटा यहाँ पर ठीक है हेड यहाँ पर है लेकिन बीन नहीं है तो आपका सी आंसर करेक्ट होगा क्यों हेज का पेशीव बनता है बीन 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 का का बनता बनता है है और हेड का बनता है हेड करेक्ट बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक कि ये मुझे अच्छे से बता दे सी आंसर करेक्ट है इसके बाद यहाँ से देखो बेटा यहाँ से टबेको अब यहाँ पर इसका फनेटिक क्या होगा यह आंसर आपको बताना है यहां से इसका फनेटिक क्या होगा जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए यहां से फनेटिक क्या बनेगा तो बेटा बेटा ट टेको नहीं होता टबेकाउ टबेकाओ है ना टबेकाउ तो यहां से जो अपना आंसर होगा टबे ये होगा ये ये तो होगा नहीं, बेकाउ ये वाला आ नहीं होगा

सिनेक डकी कहते हैं तो यहाँ पर देखो सी अब या सिने ये जो ई की साउंड होती है ना ये लंबी जाती है सिनेक डकी सी सिनेक डकी ना सिनेक कर डकी ये बेटा डकी नहीं 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 स्नेक डकी लास्ट में छोटा ही आना है ठीक है तो स्नेक डकी यहाँ पर ए ऑप्शन होगा बेटा 97 में ए बिल्कुल सही है इसे बोलते हैं इसे जिंजर बोलते हैं जिंजर बोलते हैं क्या बोलते हैं जिंजर तो यहां से देखे जिन 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 ज अब बताओ बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था कि जी या फिर जे जब ज बनता है तो क्या मामला सेट होता है जल्दी से बता दीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर बता दीजिए तो यहां से बेटा ज बनता है ये ये तो जिन ज दोनों ही ज यही होंगे क्यों यहां पर जी का बनेगा ज

के अब यहां पर केड आर के एड ये सही है बेटा ना आर के यहां पर देख लीजिए दोनों तो सेम ही है नहीं यहां पर बड़ा है बेटा ना और यहां पर क्या है छोटा है यहाँ पर बड़ा ही है और यहाँ पर छोटा ही है अब जल्दी से बता दीजिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा आर के डी आर के ईड आर के बेटा आंसर क्या होगा डी होगा आर के ईड नहीं आर के ईड तो बड़ा ही खींचेगा ठीक है कोई बात नहीं D है डी ऑप्शन कर रहे थे और इसके बाद ये आपका शतक कंप्लीट हो गया रुक जा भाई रुक जा ये आपका शतक कंप्लीट हो चुका है इसका आंसर क्या होगा टुक तो बेटा यहाँ पर देखिए टिक टक तो होगा ही नहीं आपको टुक या फिर टुक टुक क्या होगा बेटा इसका आंसर जल्दी से बताओ शतक के लिए तैयार रहे तो बेटा टुक टुक नहीं होगा ट्यूक तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा तो यहां पर अपना ये टुक होगा आंसर ठीक है जी हाँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ से यह क्या होगा बेटा यहाँ पे देखो डेइस एस स की साउंड तो यही आएगी बेटा स की साउंड तो ये आएगी ये तो यह तो वैसे ही गलत है ये तो वैसे ही गलत है अब यहाँ पर देख लीजिए डेई डै, डे अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा जल्दी से बता दीजिए बेटा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दीजिए तो यहाँ पर अगर देखो अगर दोनों ही ई की साउंड है डेइस या डेइस तो डबल ई की लॉन्ग साउंड तो आएगी नहीं ना बोलने में नहीं आएगी आपका एक शॉर्ट ही चलेगी डेइस उसमें हो जाएगा ठीक है बेटा नाइन्टी नाइन में अब बेटा पूछने का अभी समय नहीं है जब मैं बताऊंगा जब ही बताऊंगा आप तो ऐसे कैसे बताएंगा बेटा ये छोटा ही दिया हुआ है छोटा नहीं बड़ा ही का एक्सप्रेशन आएगा बोलने के अंदर वहाँ पर अब यहाँ देखिए जी बिल्कुल उसे ऑर्केस्ट्रा बोलेंगे ऑर्केस्ट्रा बोलेंगे इसे बोलेंगे क्या सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसे हम बोलेंगे क्या उससे पता लग जाएगा आपको ठीक है तो यहाँ पर देखो और कैज कैस्ट्रा और कैस्ट्र ठीक है तो यहाँ देखो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ना ये और तो बेटा या तो ये है या ये है या ये है सह सह टा 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 रा रा रा। ये तो गलत है ठीक है लास्ट में शॉर्ट आएगी तो ये 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 तो बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं ठीक है थीके? तो बेटा फिर दोनों ही सही है ये एक सौ दो में दोनों ही सही होगा अगर ये दोनों ही लग रहे हैं मेरे ख्याल से तो ओ हो ये गलत है बेटा ये गलत है ओ ओ ये वाला सा, ए, ये अर्र अर साउंड नहीं आएगी ओ ओ ये साउंड आएगी और ये कैसी साउंड है ये अर्र तो यहाँ पर आंसर अपना बी होगा बी आंसर करेक्ट है इसका ठीक है इसके बाद यहाँ पे देखो कंट्रोवर्शियल अब इसका कर, ए, करेक्ट फनेटिक बता दीजिए इसका फनेटिक क्या होगा ठीक है फनेटिक के बेटा कई सारे वर्ड्स है वो आपको देखने पड़ेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ठीक है तो कन कन नहीं है बेटा कौन है तो यहाँ पे कौन्टर, कौन्टर, वा, वा, वर ये देखो अर और ये और कंट्रोल वर्ष ठीक है ये आपका क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आपका यहां से ओ एन टी कॉन्ट्रोल ये आर इसका क्या है बेटा इसमें आर अब बताइए बेटा बिल्कुल पहुंच चुके हैं सही आंसर तक क्या होगा क्या नहीं होगा अब थोड़ा सा आप भी बता दीजिए जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर बता दीजिए ठीक है शाबाश जी बिल्कुल सी आंसर जिन्होंने दिया है उनका आंसर सही है इसके बाद देखिए टी ए आर जी ई टी टारगेट अब यहाँ पे छोटा आएगा या फिर बड़ा आएगा या फिर क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है आपको बिल्कुल सही है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टार गई गेट यहाँ पे बड़ा ही है तो टी ए टी ए आर हो गया टार टारेट बिल्कुल विसर्ग वाला ही आएगा डॉट वाला टारेट टारगेट नहीं टारगेट अब यहाँ पे साई 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 इतना दीजिए जाम कुम सबाई वन जीरो फाइव में जल्दी से बता दीजिए एस आई जी एस वन जीरो फाइव का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ यहाँ से तो साई आ की साउंड आएगी आई सही थोड़ी होगा साई आई तो आई की साउंड ये आएगी बेटा ये होगा आपका करेक्ट आंसर ये ना साई साई नहीं होगा ये तो छोटा ही है तो साई साई बड़ा होगा टर्न टू द लेफ्ट एंड प्रोसीड इसका मतलब क्या है टर्न मुडो टू द लेफ्ट एंड प्रोसीड लेफ्ट मुडो और आगे चलो ये किसका सेंस दे रहा है ऑर्डर का रिक्वेस्ट का सजेशन का या इंस्ट्रक्शन का बिल्कुल ये इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया जा रहा है तो ये निर्देश का सेंस है हैव सम कॉफी प्लीज इसमें कॉफी के लिए बोला जा रहा है ऑफर दिया जा रहा है यहाँ पर इसके बाद देखिए गिव अस दिस डे आव डेलीब्रेड यहाँ पर क्या है बेटा यहाँ पर एक्सक्यूज दिया जा रहा है गिव अस मतलब गुजारिश करी जाए क्षमा कीजिए हमें खाना दीजिए एक्सक्यूज एक्सक्यूज में बोलते हैं ना वो वाला कम होम ऑन संडे क्या लिखा हुआ है कम होम ऑन संडे ये क्या है कम होम ऑन संडे इन्विटेशन दिया जा रहा है क्या इन्विटेशन दिया जा रहा है कि संडे को कहाँ आ जाना बेटा घर पे आ जाना फिर देखो इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ये टीचिंग मेथड स्टार्ट हो चुका है यहाँ से ठीक है इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है टीचर गेट्स बोर टीचर बोर होता है या द लर्नर्स गेट एक्टिवली लर्नर एक्टिवली होता है सही बात है टीचर तो बोर होता ही होता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द स्टूडेंट्स एक्ट एज एडवाइज ऑल द बो जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वन वन जीरो न जीरो का आंसर क्या होगा कौन सी चीज दे तो सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे टीचर गेट्स बोर्ड ठीक है फैसिलिटर होता है बोर वोर्ट लर्नर्स गेट एक्टिवली इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यह आंसर बिल्कुल सही है इसका द स्टूडेंट्स एक्ट एज एडवाइजर स्टूडेंट एडवाइजर का एक्ट करता है क्या एडवाइस तो बेटा ये देता है जब यह एडवाइस देता है तो ये बोर भी क्यों हो गया मैनेज यही करता है तो इसको मैनेजर भी कहते हैं तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया इसके अंदर बी आंसर करेक्ट हो गया स्टूडेंट एडवाइस देते हैं क्या बी आंसर होगा ओल्ड कैसे हो जाएगा दिमाग ही लगा यार तुम तो कर रहे हो इन कम्युनिकेटिव अप्रोच कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है ठीक है Any device which helps the learner is accepted, है है। ना? ये बिल्कुल सही एरर्स आर टॉलरेटेड एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ये भी सही है और लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर इंकरेज टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल बिल्कुल सही है दूसरे लोगों से बोलने के लिए उनको इंकरेज किया जाता है उत्साहित किया जाता है एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड यह गलत सेंटेंस है यही आंसर होगा इनमें से कौन सा नहीं है डी ऑप्शन नहीं है यह कह रहा है कि एरर्स को टॉलरेट नहीं किया जाता जबकि ऐसा नहीं है एरर्स को टॉलरेट किया जाता है इसके बाद यहाँ से यह क्वेश्चन देखिए इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिकेटिव टीचर इज ए फैसिलिटेटर सही है द प्राइमरी गोल इज फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल सही है कॉम्प्रेंसिव pronunciation इट्स और ये भी सही है ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड बेटा बिल्कुल अवॉइडेड नहीं किया जाता इस बात का ध्यान दें बिल्कुल अवॉइडेड नहीं किया जाता थोड़ा-थोड़ा जरूर हो सकता है कि अवॉइड कर दे, लेकिन ग्रामर को बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता ठीक है 111 डी रॉन्ग है बिल्कुल सही बात है इसके बाद तो ये आपका आंसर हो गया डी फिर इसके बाद देखिए इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज द टीचर मैक्स द पीपल्स रिकॉग्नाइज एंड सॉरी इंटरप्रेट द अटरनेस बिल्कुल मैक्स द पीपल्स कॉपी द डायलॉग कॉपी द डायलॉग इफ दे आर नॉट इन द टेक्स प्रोवाइड सैंपल्स ऑफ रिटर्न होमवर्क मैक्स द पीपल्स स्पीक लाइक ए नेटिव स्पीकर ऐसा बोलता है क्या जल्दी से बताओ वन का आंसर क्या होगा वन का मेन चीज़ क्या है टीचिंग द टीचर ठीक है जब टीचिंग करता है तो टीचर कैसा बोलता है टीचर मैक्स द पीपल्स स्पीक लाइक द नेटिव स्पीकर बिल्कुल सही बात है नेटिव स्पीकर की जैसे बोलेगा टीचर इसमें जब भी बोलेगा बेटा जब भी बोलेगा इंग्लिश में ही बोलेगा ठीक है चलो जल्दी से बताओ चलो थर्टी नाइन हो चुका है टाइम चलो बेटा इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए इसका राइट right आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या लिखा हुआ है इन कम्युनिकेटिव हेल्प द लर्नर्स टू डिस्कवर द रूल्स अंडरलाइंग द फंक्शन एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर ठीक है प्रोसीड्स फ्रॉम गाइडेड टू द फ्रीली कम्युनिकेशन एक्टिविटीज सही है डज नॉट एवलेट द फंक्शन लर्न टोर् डज नॉट एवलेट द फंक्शन लर्न टोर्टी जल्दी से बता बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वन वन फोर का राइट right आंसर क्या होगा ठीक है डज नॉट एवलेट द फंक्शन और बेटा यही गलत आंसर है क्योंकि डज नॉट एवलेट मूल्यांकन किया जाता है यार ये क्या राइट है डज डज नॉट एवलेट मूल्यांकन नहीं किया जाता मूल्यांकन तो किया जाता है है ना डज नॉट एवलेट मूल्यांकन किया जाता है तभी तो टीचर मैनेजर बन के बैठा रहता है ठीक है इसके बाद यहाँ से देखिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या आता है बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज एंड द एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज बिल्कुल दोनों आता है डिफरेंट फंक्शन वगैरह दोनों आते हैं ओनली ग्रामेटिकल नॉलेज ना द इंटरफ दंग इज लुक्ड अपॉन एट एज हर्डल इन द लर्निंग ऑफ न्यू और टारगेट लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज से सीखने के अंदर मदर टंग किसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है वन वन सिक्स में देखो हाँ जी बिल्कुल क्या पूछ रहा है अगली बार से वो भी वो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कोई बात नहीं है जल्दी से बताओ तो यहाँ पर देख लो जो मातृभाषा है वो हडल किस में होती है मातृभाषा समस्या किस में करती है डायरेक्ट मेथड में, में मातृभाषा समस्या करती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल भी डायरेक्ट मेथड जो आपका क्या होता है जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है इसमें मातृभाषा का यूज नहीं किया जाता ये काम बिल्कुल सही है अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लर्न बुक इज इंग्लिश इन बाइलिंगल मैथड इस बुक इज इंग्लिश स्टूडेंट जो सीखते हैं बुक इज इंग्लिश बुक इज इंग्लिश सीखते हैं बाइलिंगवल मैथड से देर इज़ नो स्कोप फॉर कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस इन इट बिल्कुल सही है यहाँ पर कोई भी इस्कोप नहीं होता कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस का इट लेज़ मच इम्फेसिस ऑन औरल ड्रिल ना मच इम्फेसिस नहीं है इट यूज एक्सटेंसिव ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन नहीं है इट इज़ नॉट पॉसिबल फाइंड इक्विलेंट ऑफ द फॉरन वर्ड्स ना तो देर इज नो एस्कोप फॉर कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस इन इट प्रैक्टिस इसमें नहीं होती द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का मतलब होता है बेटा क्या मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर यह होता है बेटा सिंप्लीफाइंग द मैटर ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है टू सिंपलीफाई द मैटर मैटर को सिंपल बनाना ईजी बनाना यह आंसर है फिर लिखा हुआ है मैथड इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक बिल्कुल सही है यह चीज ध्यान रखना है मैथड इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स जो मैथड होता है वो टेक्निक्स की बॉडी है है ना जी बिल्कुल कोई बात नहीं है अगली बात से इनको आपको इंस्ट्रक्शन भी मिलेंगे फिर यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने आया इज एन एक्सेप्टेड इंडियन प्रोनसीएशन ऑफ इंग्लिश ऑफ इंग्लिश क्या लिखा हुआ है तो यहां पर देखिए देर इज एन एक्सेप्टेड इंडियन प्रोनसीएशन ऑफ इंग्लिश विच कैन बी आर स्टैंडर्ड लिमिटेड एक्सेप्टेड अनलिमिटेड या वर्किंग जल्द देर इज एन एक्सेप्टेड इंडियन प्रोनन्सिएशन ऑफ इंग्लिश विच कैन बी आर आर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जल्दी से बताए बेटा वन ट्वेंटी में आंसर क्या होना है जल्दी से बता दीजिए वन ट्वेंटी में बी आर वर्किंग स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है वर्किंग स्टैंडर्ड की बात चलेगी एक्सेप्ट की तो पहले चली गई है है ना ना अनलिमिटेड देयर इज़ एन एक्सेप्टेड इंडियन प्रोनाशिएशन ऑफ इंग्लिश विच कैन बी आर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है ना और वर्किंग स्टैंडर्ड को शो करता है यहाँ पर जल्दी बताए चलो बेटा अरे बी तो कैसे आ जाएगा यार वर्किंग स्टैंडर्ड को शो करता है हम अगर अच्छे खासे बिजनेस में अच्छे खासे बिजनेस में काम कर रहे हैं तो वहाँ से सीखेंगे इंग्लिश अगर हम जहाँ काम करते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल समय मीणा जी सही बोल रहे हैं आप वहाँ पे नाइट में होती है बेटा क्लास ठीक है नौ बजे पोइट्री इंक्रीजेज अ चाइल्ड्स टू ब्यूटी जो पोइट्री होती है वो इंक्रीज करती है चाइल्ड्स की सेंसिटिवनेस बिल्कुल सही बात है बच्चा जब पोइट बोलता है तो बोलता है ना जैसे जो जैसे कई सारी जो पोइम्स होती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो बच्चे की संवेदनशीलता जागृत होती है मजे से बोलता है वो आनंद से बोलता है वो ठीक है उसको अर्थ थोड़ी ना समझना है मीनिंग थोड़ी समझता है वो वहाँ पर वो की मीनिंग क्या है नहीं ठीक है जी एग्ज़ामिनेशनस आर मोर देन दे बेटा यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ज़्यादा बड़े विस्तृत होते हैं आपके ठीक है एग्जिसटिव होते हैं ठीक है एक सौ तेईस में आ जाइए यूनिट टेस्ट किसकी चीज़ करता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है टर्म टेस्ट सबमेटिव असेसमेंट की करता है ये बात क्लियर हो गई थी पोइम्स शुड बी रीड पोइम्स को कैसे पढ़ना चाहिए देखो बेटा पोइम्स अगर होती है तो उसे तेज़ तेज पढ़ना चाहिए जोर जोर से पढ़ना चाहिए ठीक है तेज तेज़ पढ़ना चाहिए ज़ोर ज़ोर से पढ़ना चाहिए एक में ओके okay जी राही मैं आपको और भी देख के फिर आपको बता दिया जाएगा ये लीजिए आप चिंता ना करें आपका जो भी है देखा है तो जरूर इस पर काम किया जाएगा पोईम शुड बी रीड पोईम पढ़ी जानी चाहिए कैसी पढ़ी जानी चाहिए पोईम देखिए ग्रुपली म्यूटली ना 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 राइम एंड इंटोनेशन के साथ लय ताल राग सबके साथ पढ़ी जानी चाहिए इसका ध्यान रखें फिर यहाँ पे लिखा इम्प्रूव एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इस इंग्लिश टीचिंग था इफेक्टिव बेटा इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा छोड़ दे क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स है वो क्लियर होने के बाद ही आएंगे और अब देखो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इंडियन राइटर्स की बात कर रहा है यहाँ पर लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इसका आप ध्यान रखें जैसे यहाँ पर देखिए थ्राइसिस जो अर्नोल्ड ने थ्राइसिस लिखी थी ये एक एलिजी है याद रखना एलिजी आपके सिलेबस में है ये एक एलिजी है अर्नोल्ड ने लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ किसकी मृत्यु के ऊपर लिखी थी और क्लफ इसकी मृत्यु के ऊपर लिखी थी इसने तो एलिजी आपको इतना सा तो जरूर ध्यान रखिए कि अर्नोल्ड ने थ्राइसिस लिखी थी ये एक एलिजी थी क्योंकि एलिजी अपने सिलेबस में है तो इतना सा आप ध्यान रखिए अर्नोल्ड ने थ्राइसिस लिखा था इसके बाद यहाँ से फिर देखिए इस क्वेश्चन को देखिए स्पेंसर्स एस्ट्रोफेल इज़ रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ़ ये भी आपकी देखो मृत्यु अगर आ रहा है मृत्यु अगर आ रहा है तो ये डेथ को ही बताता है किसको बताता है ये आपको डेथ को बताता है तो आपको ये बताना है कि डेथ किसके किसकी डेथ पे लिखी गई थी तो फिलिप सिडनी की डेथ ये लिखी गई थी इस टाइप के क्वेश्चन का नेचर देख लीजिए है ना रुगबी कैपेल इज एन एलिजी फ्रॉम द पैन ऑफ यहाँ से बताइए किसकी रुगबी कैपेल इज एन एलिजी फ्राम द पेन ऑफ बताइए जल्दी से वन टू एट में क्या होगा हाँ जी बिल्कुल तुक्का उक्का जो भी मानना है हमारे लेकिन क्वेश्चन का नेचर जरूर समझ लें रुगबी चैपल इज एन एल इजी फ्रॉम द पैन अरनोल्ड अर्नोल्ड का ही यह था तो एलिजी से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं द महाभारत एंड द रामायण क्या थे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ये आपके सिलेबस में है तो महाभारत और रामायण क्या थे बेलर्ट्स नहीं थे स्टोरीज नहीं थे नॉवल्स नहीं थे एपिक्स थे है ना क्या थे ये एपिक्स थे फिर यहाँ पर देखिए पैराडाइज रिगेंट जो सिक्सटीन सेवेंटी वन में लिखा गया था जॉन मिल्टन का है ना ये कितने पार्ट में लिखा गया था बेटा तो ये फोर पार्ट में लिखा गया था ये एक एपिक था क्या था ये एक एपिक था ये आपको पता होना चाहिए जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था इसके बाद यहाँ देखिए हु रॉट हु रॉट हाइपेरियन आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट किसने देखो सबसे पहले इसको अच्छे से स्टडी करने के बाद हु रॉट इसको पैराडाइज लोस्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद किसने ये लिखा किड्स ने लिखा किड्स ने लिखा था बेटा ये ध्यान रखना किड्स ने लिखा था ये पैराडाइज लोस्ट पढ़ने के बाद ये सौरभा एंड रुस्तम इज फ्रॉम कहाँ के लिए गए हैं ब्राउनिंग के कैरेक्ट फ्रॉम पेन ऑफ जो नाम है ये कहाँ के लिए गए हैं वन थ्री टू में जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा जी बिल्कुल तो अर्नोल्ड ने इन नाम का यूज़ किया है सौरभ ये क्वेश्चन नहीं आएगा आप घबराए नहीं इसको ज़्यादा सीरियस ना लें ठीक है टेनिशन टूक फोर्टी ईयर्स टू राइट ठीक है बेटा टू फोटी वन राइट्स इसका भी अपना कोई शुरू सुनो 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 ये अपने उसमें है बिल्कुल किस में ही है उसमें क्या कहते हैं आपके पोइट्री अप्रिसिएशन में इनमें आ सकता है तो याद रख ले फोर्टी इयर्स टू राइट एडियल्स ऑफ द किंग बेटा इसी के बारे में लिखा है टेनिशन इसके बाद सेंसी इज द पोइटिक प्ले ऑफ किसका पोइटिक प्ले है ये ब्राउनिंग का है शेले का है किड्स का है बायरन का है किसका पोइटिक प्ले है तो याद रखना जो पी बी शैले था उसने ये लिखा था मिल्टन की है ना पेराडाइज लॉस्ट मिल्टन की है बिल्कुल ये शैले ने लिखा था इसके बाद यहाँ से हम बात करें तो यहाँ देखिए रबी बैन इजरा माई लास्ट ना एंड प्रोफेरिया लवर

हो रॉइट सेमूल जॉनसन ने लिखा था और ये किसने लिखा था किसने लिखा था बेटा सेमूअल जॉनसन ने लिखा था ये अपने हाँ जी बिल्कुल जो पीरियड्स होंगे उनमें काम आ सकता है लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स किसने लिखी थी सेमूअल जॉनसन ने लिखी थी, ने लिखी थी. और फिर यहाँ पे जॉन बुनियन रॉट एन ऑटोबायोग्राफी आइडेंटिफाई माय स्टोरी ग्रेस माय एक्सपेरिमेंट या मेन केम बताइए जल्दी से यहाँ से ग्रेस ए आंसर होना चाहिए यहाँ से जी बिल्कुल सही बात है तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो ग्रेस थी माय स्टोरी किसकी थी आप अच्छे से जानते हो ठीक है इसके बाद ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज फ्रॉम द पेन ऑफ यहाँ पे देखिए येट्स का था टी एस एलियट का था तो बेटा ये एलियट का था ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी एस एलियट का था इसके बाद एन एस ए ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इज फ्रॉम द पेन ऑफ ये किसने लिखा था एन एस ए ऑफ ड्रामेटिक पोइजी किसने लिखा था बेटा जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए जी बिल्कुल आपने पता तो आपने पीरियड्स में जॉन ड्राइडन भी आता है जॉन ड्राइडन भी आता है तो ड्राइडन का युग उसे कहा जाता है तो यही आपका जॉन ड्राइडन होगा इसके बाद यहाँ से अपने पास मिल्टन लिडस आया है नाइनटीन में ये क्या था बेटा किस एडवर्ड को एडवर्ड किंग को एडवर्ड किंग को, को या किस को था था तो बिल्कुल सही बात है जो लिसिडस नाम की एलिजी इन्होंने लिखी थी वो एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी इन्होंने मिल्टन साहब ने इसके बाद यहां पर देखिए सेलीज एडोनेस जो लिखा था ये किसके

फिर यहां पे देखिए दिस ट्रंप प्रॉब्लम प्ले जो प्रॉब्लम प्ले होता है वो इज कोइंड वाइज सबसे पहले प्रॉब्लम प्ले किसने बताया था शो साहब ने बताया था जी बिल्कुल अब प्रॉब्लम प्ले इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैंस विल एंड हिज एनवायरनमेंट मानव मनुष्य की आवश्यकता और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो द्वंद होता है वो होता है वो किसने बताया था वन फोर फोर जी बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए वन फोर तो प्रॉब्लम प्ले का नाम ही शो आता है जी बी शो याद रखना है जब भी प्रॉब्लम प्ले की बात आ जाए तो जी बी शो ऐसा का ऐसा ही याद रखना है इसके बाद याद देखिए हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट कौन बने थे तो बेटा आपको पता है यूपी से कौन बने थे बेटा सरोजनी नायडू है ना और यूपी में जो प्रेजिडेंट बने थे वो और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखिए कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने थे ये सरोजनी नायडू इसके बाद यहाँ पर देखिए हु इज नोन एज भारत भारत कोकिला भारत कोकिला के नाम से कौन जाती है जाना जाती है बेटा सरोजनी नायडू द नाइट एंगल ऑफ इंडिया इस नाम से भी कौन जाना जाता है सरोजनी नायडू जानी जाती है हु इन डाउड सरोजनी नायडू द टाइटल द नाइट एंगल ऑफ इंडिया इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसने कहा था बिल्कुल गांधी जी ने कहा या फिर किसने कहा टेगोर साहब ने कहा किसने कहा बेटा इसका जवाब आप देंगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में ठीक है मैंने पढ़ाया था जब बताया था किसने कहा था इसके बाद देखिए द नरेटर इन द सर्च फॉर हर इनको आपको नीड नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से संदर्भित है ये बता दे हु इज़ रेफर्ड एज़ कन्हैया कन्हैया किसके लिए यूज़ होता है कृष्णा के लिए यूज़ होता है ठीक है फिर यहाँ पर देखिए बेटा विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सिमिली इसको भी आप छोड़ दीजिए कोई नहीं टेंशन यहाँ पर तो 150 फिफ्टी क्वेश्चन आपके क्या हुए समाप्त हुए ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मिलेंगे मॉडल पेपर नंबर टू के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय बाईज टेक केयर थैंक यू